हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी। ये वाला टॉपिक आपके क्लास प्लस टू के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो टाइप हम करेंगे वो टाइप कैसी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, जहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट भी होगा वाई का कोफिशिएंट भी होगा लेस देन इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट ऑफ मूवीज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेनी मैंने 3x plus 2y less than equal to 12, ठीक है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी है, y का कोएफिशिएंट भी है। अब इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने के पहले, उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, इक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर 3x plus 2y is equal to 12। तो पहले इनइक्वालिटी कोई भी साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का साइन हो, पहले आप यहाँ पर इक्वल टू डाल दो, पहले इसका ग्राफ बनाओ। तो आपको पता है अगर x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन को। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनता है। तो अब ये एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, वाई एक्सिस को भी कट करेगी, ठीक है। जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, वाई क्या जीरो होगा। तो वेन वाई जीरो, तो 3x कितना आ गया 12। वैसे भी लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, तो मैंने एक बार वाई को जीरो पुट कर लेना है और एक बार, तो ये पॉइंट कितना हो गया 4,0। व्हेन एक्स जीरो, जब एक्स मेरे पास जीरो है, तो 2y कितना आ गया 12, 2 की टेबल कट किया तो y कितना आ गया 6, तो पॉइंट कितना हो गया 0,6, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन इनइक्वालिटी है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, लाइन का ग्राफ ड्रा करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ एक ग्राफ। सबसे पहले इक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे, दो पॉइंट आ गए 4,0 और 0,6, तो 4,0 और 0,6 इसको ज्वाइन कर दो, तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई, ठीक है। अब जो इक्वालिटी का ग्राफ होता है, जो इक्वल टू का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, जितने पॉइंट लाइन के ऊपर वो इस इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी आ जाती है, यानी कि लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन, तब मेरे पास जो एरिया होता है वो पूरा एक लाइन के इधर वाला एरिया होता है या लाइन के उधर वाला एरिया होता है, पूरा एक एरिया की बात हो रही है, लाइन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये इक्वालिटी, यहाँ पर इक्वालिटी रखने से जो लाइन आ रही है वो हमारा बॉर्डर का काम कर रही है, ठीक है। ठीक है, दो लोगों का जो एरिया बीच में एक बॉर्डर लाइन होती है, इंडिया पाकिस्तान का जो एरिया बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, बीच में बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर है। यहाँ तो एरिया इधर वाला होगा, यहाँ तो एरिया इस साइड वाला होगा, ठीक है। तो लाइन जब हमने क्रॉस की, दो एरिया हो गए, यहाँ तो बाहर वाला एरिया, यहाँ तो अंदर वाला एरिया। अब हमें कैसे पता करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इस इक्वालिटी के अंदर कौन सा एरिया होगा। चेक करने के लिए क्या करोगे, ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा, देखो इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ये पॉइंट होता है 0,0। तो आप क्या करोगे, जो इनइक्वालिटी मेरे पास दी हुई है 3x plus 2y less than equal to 12, यहाँ पर आप पुट कर दोगे x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 0। यानी ये वाला पॉइंट फिट करके देखोगे, ओरिजिन को इसके अंदर डाल के देखोगे, 3 × 0 plus 2 × 0 less than 12, 0 less than equal to 12, which is a true condition, true है, क्योंकि 0 12 से इक्वल, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, ट्रू कंडीशन है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा, जो एरिया होगा, वो किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन उसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये हम ऐसे इसको शेडेड कर देंगे, ऐसे इसके अंदर वाला एरिया है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लाइन है, इस लाइन के इधर वाला एरिया इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनइक्वालिटी हमेशा एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है। जब हम इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू डालते हैं, कि लाइन ऑफ बॉर्डर, मतलब एक बॉर्डर लाइन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब उसके यहाँ तो इस साइड का एरिया होता है, यहाँ तो इस साइड का एरिया होता है। तो आपने क्या करना है, ओरिजिन पुट करके देखना है। अगर ओरिजिन पुट करने से सेटिस्फाई हो रहा है, सही कंडीशन आ रही है, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये याद रखना है आपको, याद के रखना है टूवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे याद नहीं करना नीचे ऊपर। तो ये यहाँ पर जाएगा टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, और अगर फॉल्स कंडीशन आती तो बाहर को जाता है, ठीक है। चले नोट कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट मेरे पास है 3x plus 2y greater than 12, ठीक है। पिछली बार हमने क्या किया था, लेस देन वाला, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो सबसे पहले आपने इक्वलिटी, चाहे लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, आपने इक्वल टू रख देना इसको, ठीक है। फिर एक बार y0 पॉइंट निकाल लेना, एक बार x0 रख के पॉइंट निकाल, दो पॉइंट आ जाने, दोनों को ज्वाइन कर देना जैसे पहले थे। तो ये तो सीधे बन जाएगा भाई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। हमारे पास एक लाइन आ गई,
अब इसका ग्राफ कैसे चेक करना है, यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर ग्राफ चेक करना है कि इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 12 है ना, तो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 12 आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या आएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 12, 0 ग्रेटर देन 12, अब 0 ग्रेटर देन 12 ठीक है, 0 12 से बड़ा यहाँ आ रहा है, बड़ा होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, विच इज फॉल्स, ये फॉल्स कंडीशन होगी, इसका मतलब ये क्या हो गया, अब ये यहाँ पर अगर फॉल्स कंडीशन आती है यानी कि ओरिजिन ये वाला पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो बॉर्डर का काम करती है, अब हमें पता लगा कि ये वाला पॉइंट, ये वाला इस पॉइंट नहीं आ रहा, यानी कि इस साइड ग्राफ नहीं आ रहा, अब जब भी फॉल्स कंडीशन आएगी तो क्या आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, जहाँ ओरिजिन है उसकी तरफ नहीं जाना, हमने उसके दूसरी तरफ जाना है, तो ये ग्राफ बाहर को चला जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको हम शेडेड कर लेंगे अच्छे से, क्लियर है, अगर यहां पर ट्रू कंडीशन टुवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स कंडीशन मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, ठीक है यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है, अब देखें क्या करेंगे, अब चाहे साइन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कुछ भी हो, आप सबसे पहले क्या करोगे, इक्वल टू पर सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वलिटी पर ड्रॉ करेंगे, दो पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, वेन एक्स जीरो माइनस थ्री वाई कितना आ गया 6, तो कटिंग करके y कितना आ गया माइनस का 2, पॉइंट कितना आ गया देखो 0 कोमा माइनस 2 पॉइंट आ गया, ठीक है वेन, अब हमने एक बार x जीरो लिया, y जीरो ले लेंगे, y जीरो लेंगे तो कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 3y, 2x इज इक्वल टू 6, 2 को कट कट किया तो x कितना आ गया 3, तो पॉइंट कितना आ गया 3 कोमा 0, तो एक पॉइंट मेरे पास आ गया 3 कोमा 0 ये वाला, और एक मेरे पास आ गया 0 कोमा माइनस 2, माइनस 2 वाई मतलब नीचे आएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है यहाँ से ये मेरी लाइन ड्रॉ होगी, अब ये जो लाइन है ठीक है इक्वालिटी पर हम क्या करते हैं, बॉर्डर क्रिएट करते हैं, बॉर्डर क्रिएट कर दिया, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटर देन 6, इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है, इक्वल टू का मतलब होता है ग्राफ जो लाइन का वो भी इंक्लूड हो रहा है, अब ये लाइन का ग्राफ इंक्लूड नहीं हो रहा, या तो ग्राफ इस साइड का होगा या तो इस साइड का होगा, पर लाइन का ग्राफ नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब लाइन इंक्लूड नहीं होगी, अगर लाइन इंक्लूड नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, इसको डॉटेड लाइन बनाओगे, ठीक है टूटी हुई लाइन का मतलब क्या होता है, डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है ये इंक्लूड, ठीक है तो ऐसे आप डॉटेड लाइन क्रिएट करोगे, क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है, अगर डार्क लाइन ड्रॉ कर रहे हो उसमें लाइन इंक्लूड होती है, जब डॉटर में ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन जो है इंक्लूड नहीं कर रही, अब देखिए इसका ग्राफ किस तरफ जाएगा, चेक करने के लिए करेंगे हम 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, ठीक है इसके अंदर पुट करेंगे हम x0 और y0, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, 0 इज ग्रेटर देन 6 विच इज ए फॉल्स कंडीशन, ठीक है 0 6 से बड़ा नहीं है तो कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, कई बच्चों ने रट्टा लगाया होता है कि अगर फॉल्स कंडीशन है तो बाहर को है ना, और अगर ट्रू कंडीशन तो अंदर को, अब यहाँ पर आपने देखना है कि वो तरीका गलत रहता है, यहाँ पर फॉल्स कंडीशन का मतलब क्या है, ये ओरिजिन ऊपर है ठीक है, अब ये जो लाइन है या तो ओरिजिन की तरफ जाएगी या तो ओरिजिन के बाहर को जाएगी, अब यहाँ पर क्या दिया है, 0 ग्रेटर देन 6 फॉल्स कंडीशन दी है, इसका मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, उसके दूसरी तरफ जाएगा, तो इसका तरफ नीचे को आ जाएगा इस बार, ठीक है हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा अभी, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर जा रहे हैं, तो ये हो गया अवे ग्राफ, ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ आपने, जहाँ पर भी आपको इक्वालिटी नहीं होगी वहाँ पर लाइन क्या होगी, डॉटेड, चले नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट टाइप देखें,
अगर हमें आ जाए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप के अंदर y मेरे पास मिसिंग है, x ग्रेटर देन 3, सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए ग्राफ, किसके लिए ग्राफ बनाया हमने, जहाँ पर भी इनक्वालिटी उसको हटा के इक्वल कर दो, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब y नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू है, तो ये क्या आएगी, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हमें x की वैल्यू दी हो तो लाइन बनती है किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। अगर x की वैल्यू 3 दी है तो वो पैरेलल होगी लाइन y एक्सिस के, कहाँ पर पैरेलल होगी, 3 पॉइंट पर। ये जो 3 दिया है, यहाँ पर जाके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पहले ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस के, ये मतलब x इज इक्वल टू 3 लाइन है मेरे पास। अब इक्वल टू पर ये लाइन बनती है, अगर इन इक्वालिटी में ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एरिया बनेगा। अब इसका एरिया चेक कैसे करेंगे, वैसे ही अब मेरे पास क्या था, x इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ सिर्फ x इसको x को पुट करेंगे 0, तो 0 ग्रेटर देन 3 विच इज फॉल्स कंडीशन, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अगर x अकेला है तो x को पुट करेंगे, x 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स कंडीशन का मतलब ये जो लाइन का एरिया बनेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा, ओरिजिन से बाहर वाला बनेगा, ठीक है, क्लियर है। इस तरह की लाइन जहाँ पर सिर्फ x गिवन था, x इज ग्रेटर देन 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर चेक करने के लिए हम वैसे ही इनइक्वालिटी लेके उसमें x 0 पुट किया, तो सिर्फ x था, तो 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स कंडीशन आई, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, अगर आ जाता x इज ग्रेटर देन माइनस 3, अब यहाँ पर x ग्रेटर देन माइनस 3 है, वैसे ही सारा कुछ वैसे लिखते हुए x इज इक्वल टू माइनस 3 पर ग्राफ बनाएंगे विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। अब x की 3 माइनस 3 वैल्यू यहाँ पर आ गए पैरेलल टू y एक्सिस, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू y एक्सिस। अब इनइक्वालिटी चेक कैसे कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन माइनस 3 पुट करेंगे हम x को 0, यहाँ चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, हम नीचे चेक करोगे, x इज ग्रेटर देन माइनस 3 पुट करूँगा मैं x को 0, तो 0 ग्रेटर देन माइनस 3। अब ध्यान देना यहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन माइनस 3, ट्रू ऑफ ऑल्स ट्रू, क्योंकि 0 माइनस जितने भी नंबर उनसे बड़ा होता है विच इज ट्रू। अब ये ट्रू कंडीशन, इसका मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरफ जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे देखिए, आगे हमें दिया है y इज लेस देन माइनस 2, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए ग्राफ फॉर, सबसे पहले वी ड्रॉ ए ग्राफ, किसका ग्राफ बनाएंगे, इक्वालिटी पर ले जाएंगे इसको, ठीक है। अब अगर सिर्फ y की वैल्यू गिवन हो, अगर x y की वैल्यू गिवन हो तो ये लाइन होती है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी, इसकी यहाँ रख देता हूँ मैं, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अभी अगर y की वैल्यू दी हो तो वो पैरेलल होता है x एक्सिस के, अगर x की वैल्यू दी हो तो वो पैरेलल होता है y एक्सिस के, ये याद रखना है अपने। तो किस पॉइंट पर होगा, माइनस टू पर, ये y माइनस टू पर चले जाएंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब इसका ग्राफ चेक करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, y लेस देन माइनस टू, तो पुट करेंगे हम x इज, अब x तो है नहीं इसमें, y जीरो पुट करेंगे, तो जीरो लेस देन माइनस टू, जीरो माइनस टू से छोटा है विच इज ज़ीरो, नेगेटिव नंबर से तो पॉजिटिव होता ही है ना, नेगेटिव नंबर से बड़ा होता ही है, तो जीरो लेस देन माइनस टू विच इज़ फॉल्स। फॉल्स करने का मतलब ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा, ओरिजिन से पीछे को भागेगा। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हो गई, जो मेरे पास लाइन है ये वाली y इज लेस देन माइनस टू, ठीक है, अगर यहाँ तो इक्वालिटी होता तो लाइन ड्रॉ करते, पर यहाँ पर क्या था, इनइक्वालिटी है, ठीक है, जहाँ पर भी इनइक्वालिटी हो, पीछे क्वेश्चन के अंदर भी अगर इनइक्वालिटी है तो आप क्या करोगे, ये लाइन डॉटेड लाइन बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे ये डॉटेड लाइन बनाओगे, ठीक है, ये
इनक्वालिटी के ग्राफ के अंदर अगर इक्वालिटी का साइन होगा, ठीक है, तो लाइन डार्क बनेगी, ये वाली जो हम लाइन ड्रॉ कराएंगे वो डार्क बनाएंगे। अगर यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं होगा तो आप डॉटेड लाइन बनाओगे, ये अपने बात याद रखनी है। दूसरी बात, अगर आपका यहाँ पर कंडीशन ट्रू आ रही है, इसमें टूवर्ड्स ओरिजिन जाना है, अगर फॉल्स आ रही है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू दी होगी तो वो पैरेलल टू वाई होगा, अगर वाई की वैल्यू दी होगी तो पैरेलल टू एक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन ग्राफ्स की टाइप्स को मिक्स करके पढ़ेंगे कि दो तीन टाइप्स अगर मिक्स आती है तो कैसे ग्राफ बनता है एक से ज़्यादा लाइन्स का, ठीक है। पहले आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लें।